بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار ظلموا وحلا في مولده النغم अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद आकिर आपके साथ बेरिया टाउन कराची से, और आज हम मौजूद हैं बेरिया टाउन के एक खूबसूरत और फेमस प्रीसेंट के अंदर, और इसके ऊपर मैं कई वीडियो शूट कर चुका हूं, कई विलास यहां पर आपको रिव्यू दे चुका हूं, और आज मैं आपको लेके आया हूं एक खूबसूरत और बेहतरीन किस्म के विला का रिव्यू देने। और जो विला बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये हम लूप रोड के ऊपर मौजूद है, और यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको इस प्रीसेंट की मस्जिद मिलती है, जो कि बिल्कुल इस लूप रोड के स्टार्ट के ऊपर मौजूद है। और इस प्रीसेंट के अंदर मुख्तलिफ आपके पास एमिनिटीज़ भी मौजूद हैं, जैसे कि PSO पेट्रोल पंप है, पार्क्स हैं, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और आने वाले दिनों में यहाँ बड़ी तेज़ी के साथ आपको यहाँ पर और एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं। शॉपिंग गैलरी बनने वाली है और मार्ट बनने वाले हैं, और यहाँ पर मैं जैसे आपको पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियोज़ के अंदर कि यहाँ पर 4000 के करीब अप्रॉक्स प्लॉट थे, जिसमें से तकरीबन कोई 3200 के करीब प्लॉट अब विला में कन्वर्ट हो चुके हैं, और इसके अलावा अभी अप्रॉक्सीमेटली 800 या मोरलेस से कुछ आगे पीछे प्लॉट रिमेन है, जो कि आने वाले दिनों में वो भी विला के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आप मेरे बैक पे देख सकते हैं, आज आप मैं आपको दिखाने हूँ इतना खूबसूरत विला, और ये लूप रोड पे 80 फुट के रोड के ऊपर है, और 1+3 की इसकी प्लानिंग है, एक बेड नीचे है और 3 बेड ऊपर है, और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और जैसे मैं आपसे पहले भी कई दफ़ा इस बात को शेयर कर चुका हूँ, जो रोड का होता है या लूप रोड का होता है, आपके पास पार्किंग का स्पेस वाइडर होता है, आपका गार्डन का साइज़ भी बड़ा होता है, और ये बिल्कुल रेडी विला है। आए, चाबी लें और रहना शुरू कर दें। चले चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आपको मैं इसके अंदर से रिव्यू कराता हूँ। ये अब देखें, अब हम इनसाइड आ चुके हैं। ये कार पोर्च का एरिया मेन आफ्टर गेट, और ये लेफ्ट के ऊपर आपको एक स्पेस मिलता है, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो है यहाँ पर कैरी ग्रीनरी वगैरह सब मेंटेन कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छा खूबसूरत लाइटिंग का सिस्टम उन्होंने ऊपर इंस्टॉल किया है। और ये अब हम मेन एंट्रेंस से अंदर दाखिल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से अच्छे साइज़ के बड़े वाइडर इन्होंने दरवाजे लगाए हुए हैं। और जैसे हम आते हैं तो राइट पर हमें ये आपको पाउडर रूम मिलता है, और इसी के साथ यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इन्होंने बिल्कुल एक कोने में लगाया ताकि कोई किसी किस्म की परेशानी ना हो। और ये हम इस टाइम मौजूद है लाउंज के एरिया में, एक बड़ा वाइडर लाउंज के एरिया है। ये आप देख सकते हैं मीडिया वॉल, खूबसूरत मीडिया वॉल इसके अंदर बनी हुई है, और ये आप टाइल्स देखें, टाइल्स भी इस तरह लगी है जैसे कि बड़े 272 स्क्वायर यार्ड्स के विलास के अंदर अमूमन लोग लगाते हैं। और ये आप मीडिया वॉल देखें, बड़ी खूबसूरत, अभी चूँकि ये सफाई नहीं हुई तो आपको थोड़ा सा डस्टी नज़र आ रहा होगा, मगर ये बिल्कुल ब्रांड न्यू विला है 125 स्क्वायर यार्ड्स का, अली ब्लॉक के अंदर लूप रोड पे। और ये इसका आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको एक सेपरेट एंट्रेंस दी हुई है, अगर आप अपने घर में अपने गेस्ट को लेके आते हैं तो ये सेपरेट एंट्रेंस मौजूद है आपकी, ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। और इसके अंदर उन्होंने गेट भी लगाया है, तो आप ये स्लाइडिंग डोर है आपके पास, ये स्लाइडिंग डोर है ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे आपके घर की। चले चलते हैं, मैं इसका सबसे पहले आपको बेडरूम का रिव्यू दूंगा। नीचे एक बेड है, ऊपर 3 बेड है, 4 की प्लानिंग है इसके अंदर। ये इसका देखें आप, खूबसूरत अच्छा डिसेंट सा आपको रूम और उसका साइज मिलता है। ग्रिल लगी हुई है इसके अंदर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। और ये आप देख सकते हैं इस टाइम इसका ये अटैच बाथ, और ये भी अच्छा डिसेंट सा अटैच बाथ बना हुआ है इसके अंदर। और ये वार्डरोब देखें, इसके अंदर जो वार्डरोब भी आपको अच्छा खासा स्पेस स्टोरेज का इसके अंदर आपको मिलता है। चले चलते हैं, आपको मैं इसका किचन विजिट कराता हूँ, आप किचन देख के भी आपको खुशी होगी, माशाल्लाह से अच्छा खूबसूरत डिजाइन ड्राइंग का किचन है। चले चलते हैं, इसका फ्लोर देखें, फ्लोर भी उन्होंने डिसेंट सा इन्होंने फ्लोर मेंटेन किया। ये देखें, एक सेपरेट आपको ये सिंक का एरिया मिलता है, और उसके अंदर भी आपको कबर्ड्स मिलती हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे माइक्रोवेव और ये तमाम चीज़ें, यानी कि अच्छी क्वालिटी की और ब्रांड की, डाउलेस ब्रांड की आपको यहाँ मिलती हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये आपको आपका ओवन है, चिमनी देखें, बाकी कबर्ड्स वगैरह सब देखें, आपको यकीनन
ये बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का किचन है जो कि मैं देख रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ, आपको यकीनन पसंद आएगा। ये देखते हैं यहाँ नीचे भी इन्होंने कबर्ड से अच्छी खासी दी हुई है, अच्छा खासा स्पेस मौजूद है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये आपके पीछे जो है ना आपको ये इसका एक सर्विस एरिया मिलता है, यहाँ पर आप अपना वॉशिंग एरिया मेंटेन कर सकते हैं, इसके अंदर ही आपको पूरे पीछे बैक के ऊपर एंड टू एंड मिलता है। चलें चलते हैं और आपको मैं विजिट कराता हूँ ऊपर के फ्लोर का, आपको यकीनन ये विला पसंद आएगा। और आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी, मेरे साथ जुड़े रहना है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 125 स्क्वायर यार्ड से विला की बेरिया टाउन कराची प्रिसेंट 12 से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलें चलते हैं ऊपर के फ्लोर, आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं माशाल्लाह से खूबसूरत इन्होंने सीढ़ियों का डिज़ाइन बनाया हुआ है। ले जी अब हम आ चुके हैं ऊपर के फ्लोर पे, आपको ऊपर के फ्लोर का रिव्यू कराता हूँ। आप यकीन करें खूबसूरत और बेहतरीन किस्म की डिज़ाइन ड्राइंग का ये विला है, आप भी ऊपर देख सकते हैं। हमेशा मैं कहता हूँ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपके घर की रौनक को बढ़ाती हैं। ये आप देख सकते हैं फ्लोर देखें, आपने सीढ़ियों के ऊपर जो इन्होंने काम किया वो भी बड़ा अच्छा डिसेंट काम किया हुआ है। चलें चलते हैं, मैं आपको इसका विजिट कराता हूँ बेडरूम का। ऊपर के फ्लोर पर 3 बेडरूम है, नीचे 1 बेडरूम है। और ये आप देख सकते हैं इस टाइम हम बेडरूम में आ चुके हैं। बेडरूम में आते ही साइज देखें, यहाँ पर भी आपको ग्रिल लगी हुई है विंडो के ऊपर, और इसी के अंदर आपको कबर्ड्स भी देखें माशाल्लाह से, अच्छा खासा बड़ा कबर्ड्स आपको यहाँ पर स्पेस मिलता है स्टोरेज का, ये आप देख सकते हैं, ये स्टोरेज का अच्छा खासा स्पेस मिलता है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर भी इसी तरह इन्होंने दी हुई है और जीएस के साथ जैसे अटैच बात है, ये आप देख सकते हैं, अच्छा एक डिसेंट सा बात उन्होंने इसके अंदर दिया हुआ है। और चले चलते हैं इसके दूसरे बेडरूम की तरफ, आपको दूसरा बेडरूम विजिट कराता हूँ। ये इसका दूसरा बेडरूम है, ये ऊपर का मास्टर बेड है। अच्छा कलर इन्होंने बड़ा अच्छा डिसेंट सा कलर किया, लाइटें देखें बड़ी डिसेंट सी लाइटें लगाई हैं, पंखे भी लगे हुए हैं। और ये आप देख सकते हैं इसका ये अटैच बाथ है, अच्छा खूबसूरत उन्होंने, अच्छा बाथ के अंदर उन्होंने एक अच्छा काम किया कि ऊपर सीलिंग से लेकर नीचे फ्लोर तक सारी टाइल्स लगाई हुई है। और इसी के साथ इन्होंने यहाँ से एक विंडो भी दी है ताकि आपको एयर वेंटिलेशन यहाँ से थ्रू आउट ऊपर से नीचे तक का पूरा डक्ट एरिया है। और चले चलते हैं आपको बताता हूँ, ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है ये ऊपर छत पर जाने के लिए इन्होंने स्पायरल स्टेयर्स दी हुई हैं ताकि आपको छत पर जाने के लिए सहूलत रहे। और इसी के साथ जब हम यहाँ आते हैं थोड़ा सा आगे मूव करते हैं तो लेफ्ट में हमें एक दूसरा किचन, प्रॉपर किचन हमें वेलकम करता है, एक अच्छा पूरा कंप्लीट किचन ऊपर भी मौजूद है, यानी कोई कंजूसी नहीं की इसके अंदर बनाने में, पूरा कंप्लीट किचन मौजूद है। और ये इसका तीसरा बेड है, फाइनली ये तीसरा बेड है और इसकी फेसिंग मेन डोर की तरफ है। और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, आउटस्टैंडिंग व्यू। अच्छा इस घर के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, अभी ये आपको मैं इसका रिव्यू करा दूँ बेडरूम का। ये देखें बेडरूम में यहाँ पर भी आपको बड़ी है ना माशाल्लाह से स्पेस मिलती है कबर्ड्स की स्टोरेज के लिए। और इसके साथ ये देखें अभी अटैच बाथ, जैसे मैं पहले भी आपके साथ शेयर किया कि आपको यहाँ पर टाइल्स उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की, ऊपर सीलिंग से लेके नीचे फ्लोर तक सारी टाइल्स लगाई हैं। और इन्होंने जो सैनिटरी यूज़ की है वो भी अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी यूज़ की हुई है इसके अंदर, या आप नीचे फ्लोर देखें, यानी कि इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं देख रहा हूँ कि 125 गज के जो विला के अंदर उन्होंने बड़ी अच्छी डिज़ाइन ड्राइंग और अच्छा काम किया हुआ है और अच्छी इन्होंने तमाम चीज़ें मेंटेन की। और चले चलते हैं इसके खूबसूरत लोकेशन की तरफ, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ पूरे घर की जान होती है, टेरेस पूरे घर की जान होती है। और ये आप देख सकते हैं जैसे मैं बता रहा था कि मैं घर की खास खूबी बताता हूँ, तो ये टी के ऊपर ये विला, इस विला के सामने किसी की विला की ओपनिंग नहीं है, और अगर विला है तो काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है, तकरीबन 120 फुट के फासले पर है, और उनकी ओपनिंग इनसाइड स्ट्रीट के अंदर है, यानी कि आपके घर के सामने कोई किसी घर की ओपनिंग नहीं होती। और लूप रोड के ऊपर है, 80 फुट रोड के ऊपर है, और टेरेस भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो मेरे व्यूअर्स आज की वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ ये रिव्यू आपका बहुत पसंद आया होगा। और इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे नंबर से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा है बट जिस तरह की ये बना हुआ है तो इसकी डिमांड उस हिसाब से ठीक है, 1,55,00,000 रुपए की ऑनर डिमांड करते हैं। और ऑनर मीटिंग आपको हर मेरे केस में आपको ऑनर मीटिंग मिलेगी ताकि आपको साफ और अच्छी एक क्रिस्टल डील मिल सके।
ये 125 स्क्वायर यार्ड्स का विला है और लूप रोड पे मस्जिद के करीब है, अली ब्लॉक के अंदर है। और आपने देख लिया 1+3 की डिज़ाइन ड्राइंग है, प्लानिंग है इसके अंदर, और खूबसूरत बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करूंगा मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।